गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथमेजिशियन शो TMS में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स बेसिक क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन फॉर क्लास 10th के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यह आपके सामने मैथमेटिक्स बेसिक क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन क्लास 10th 2020 और 2021 के लिए है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था क्लास 10th का ही मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो क्लास 10th में मैथमेटिक्स को दो पार्ट में अब बांट दिया गया है, यानी मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड होगा और मैथमेटिक्स बेसिक। तो बात करें अगर टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस की, तो इसमें रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग है, यानी ये सारे सेक्शन से आपका क्वेश्चन होगा। रिमेंबरिंग से आपको टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे MCQ, यानी हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा सही होने पे। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग से 7 MCQs क्वेश्चंस होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अप्लाइंग से 5 MCQs होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। उसके बाद एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग से 3 क्वेश्चंस होंगे, यानी टोटल वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन के लिए आपको सही होने पे 1 मार्क्स मिलेगा। आपके मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन में 2 तरह का शॉर्ट आंसर होगा, शॉर्ट आंसर 1 और शॉर्ट आंसर 2। तो शॉर्ट आंसर 1 की बात करें तो रिमेंबरिंग से 2 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर 1 में होगा और हर क्वेश्चन सही होने पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग से 1, अप्लाइंग से 2, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग से 1, यानी टोटल 6 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन सही होने पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा, यानी टोटल 12 मार्क्स। शॉर्ट आंसर 2 की बात करें तो रिमेंबरिंग से 5 क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग से 1, अप्लाइंग से 1 और एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग से 1, यानी टोटल 8 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन सही होने पे आपको 3 मार्क्स मिलेगा, टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, यानी 24 मार्क्स। अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की बात करें तो रिमेंबरिंग से 2 क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग से 4, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग से कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में नहीं होगा। तो टोटल लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में 6 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलेगा, यानी टोटल 24 मार्क्स, यानी 24। अब इस तरह से अगर देखते हैं कि रिमेंबरिंग से टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, तो 5 to 7, यानी 14 क्वेश्चंस होंगे रिमेंबरिंग से और आपको टोटल रिमेंबरिंग से 32 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद अगर अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग से 7, 18, 19 और 4, 13, टोटल 13 क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग से होंगे और उसके लिए टोटल मार्क्स आपको 28 मिलेगा। उसके बाद अगर अप्लाइंग की बात करें तो अप्लाइंग से 5 to 7, 18, टोटल 8 ही क्वेश्चंस होंगे और आपको 12 मार्क्स मिलेगा। अगर बात एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग की करें, इस सेक्शन से 3, 1, 4, 1, 5, यानी टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे और जिसके लिए आपको 8 मार्क्स मिलेगा। एक बात यहाँ पे गौर करने वाली है कि अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं होगा। यही मेन डिफरेंस है मैथमेटिक्स बेसिक और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का। और जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि CBSE का क्वेश्चन पेपर जो डिज़ाइन होता है टोटल 80 मार्क्स के लिए होता है, बाकी के 20 मार्क्स वो इंटरनल असेसमेंट से मिलते हैं।